कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा ने कहा कि उन्होंने 18 महीने तक क्रिकेट में सट्टेबाजी के बाजार और फिक्सिंग के घने जाल पर गहरी पड़ताल की है। इसके बाद तैयार की एक डॉक्यूमेंट्री जिसे 26 मई को टेलीकास्ट किया गया। क्रिकेट्स मैच फिक्सर्स नाम से 53 मिनट 59 सेकंड लंबी इस डॉक्यूमेंट्री को देख क्रिकेट की दुनिया हिल गई है। इसे देखकर लगता है कि क्रिकेट में हर मैच फिक्स है। अल जजीरा के खोजी पत्रकार डेविड हैरिसन ने ये कमाल का काम किया है। खुद को एक ब्रिटिश बिजनेसमैन बताया और मुंबई से लेकर दुबई और रांची से लेकर श्रीलंका तक खुफिया कैमरे में क्रिकेट के फिक्सिंग नेटवर्क को रिकॉर्ड कर लिया। इसमें 4 टेस्ट मैचों में स्पॉट फिक्सिंग का दावा किया गया है। हैरानी की बात ये कि जो भी प्रेडिक्शन फिक्सरों ने की थी ठीक वही रिजल्ट इन मैचों में आए। सबसे पहले डेविड ने फिक्सर से कहा कि उनके पास ऐसे कई लोग हैं जो क्रिकेट के इस धंधे में पैसा लगाना चाहते हैं। इस पर अनिल मुनव्वर ने आगे के प्लान बताए। पूरी डॉक्यूमेंट्री में इन 4 मैचों में फिक्सिंग का दावा किया गया। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं ये मैच। डॉक्यूमेंट्री में जिस मैच का सबसे पहले जिक्र आता है वो है इंडिया बनाम श्रीलंका। 26 से 29 जुलाई 2017 को गॉल स्टेडियम में हुआ ये मैच। ये सीरीज का पहला टेस्ट था श्रीलंका के गॉल स्टेडियम में। यहाँ पूर्व रणजी खिलाड़ी और अब फिक्सर बन चुके रॉबिन मॉरिस की इतनी तगड़ी सेटिंग है कि पिच क्यूरेटर खुद होटल रूम में आकर पूरी प्लानिंग बताता है। क्यूरेटर थरंगा इंडिका बताता है कि पिच बल्लेबाजों को मदद करेगी क्योंकि पिछले मैच में ट्रैक पर रोलर फेरने के बाद क्यूरेटर ने इस पर पानी डाल दिया था जिससे पिच और ज़्यादा हार्ड हो गई। भारतीय कप्तान विराट कोहली उस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं और टीम इंडिया उस मैच में पहली पारी में 600 से ज़्यादा रन का स्कोर बनाती है। पहले ही ये बात फिक्सरों को पता चल चुकी थी। क्यूरेटर ने हर डिटेल, पिच की हर डिटेल फिक्सर रॉबिन मॉरिस से शेयर की थी। क्यूरेटर से मिली जानकारियों के आधार पर फिक्सर मॉरिस पहले ही इस बात पर सट्टा लगा चुका था कि पहले बैटिंग करने वाली टीम सबसे ज़्यादा स्कोर बनाएगी। हुआ भी यही और मॉरिस ने इस मैच में तगड़ा पैसा बनाया, ये डॉक्यूमेंट्री का दावा है। इस कड़ी में दूसरा मैच आता है इंडिया बनाम इंग्लैंड। ये मैच 16 से 20 दिसंबर 2016 को खेला गया था, चेन्नई का ग्राउंड था और इंडिया इंग्लैंड सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच था। मैच पर सट्टा लगाने की बात हुई और फिक्सरों ने कहा कि कुछ इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ियों को भी इसमें शामिल किया गया है, कुछ एडवांस भी दिया गया। फिक्सरों की तरफ से डेविड को भरोसा दिलाया गया कि सुबह टॉस के बाद ये तय होगा कि कौन से सेशन में दांव लगाना है। मुंबई में डी कंपनी के लिए काम करने वाला मैच फिक्सर अनिल मुरब्बर कहता है, जो स्क्रिप्ट मैंने दी है वही होगी। इंग्लैंड की बैटिंग चल रही थी और जिस सेशन पर सट्टा लगा उसका आखिरी ओवर मंदा रहेगा, ये भविष्यवाणी अनिल ने की थी और कहा था कि 2 से ज़्यादा रन नहीं पड़ेंगे। अनिल ने बीच में फ़ोन करके कह दिया था कि लास्ट ओवर मंदा रहेगा, जितना माल हो सके बटोर लो। हुआ भी यही, इस ओवर में कोई रन नहीं पड़ा। बाद में अनिल बताता है कि इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी उसके आदेश पर काम कर रहे थे। इनके नाम इस रिकॉर्डिंग में नहीं बताए गए। अल जजीरा ने दावा किया कि वो इन तीनों नामों को ICC को सौंप चुका है। साथ ही अल जजीरा ने इन खिलाड़ियों से इस स्टिंग पर प्रतिक्रिया जाननी चाही तो उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया। ये दावा अल जजीरा ने अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में किया है। डॉक्यूमेंट्री में दावा किया गया है कि डी कंपनी मैच फिक्सिंग को वैसे ही चलाती है जैसे वो दूसरे धंधे चलाती है। अनिल यहाँ बताता है कि ऊपर के लेवल पर सब मैनेज कर लेते हैं। टॉप टीमों में फिक्सिंग का रेट अनिल मुनव्वर 2 से 6 करोड़ का बताता है। सीधे प्लेयर से संपर्क नहीं करता है, टीम ऑफिशियल या अंदर का कोई बंदा मिडल मैन का काम करता है, उसी से डील किया जाता है, बाकी पैसा उस तक पहुंचा दिया जाता है। डॉक्यूमेंट्री में जिस तीसरे मैच का जिक्र आता है वो है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच गोल टेस्ट। 4 से 6 अगस्त 2016 को ये टेस्ट हुआ था। इस टेस्ट में भी ऊपर से यानी क्रिकेट बोर्ड से बैटिंग पिच बनाने का आदेश था। यहाँ भी वही क्यूरेटर थरंगा पिच को फिक्सरों के मुताबिक बनाने के लिए तैयार दिखता है। वो कहता है कि अगर स्पिन को मदद कराने वाली पिच बनानी हो तो रोलर कम फेरना होता है, इससे पिच 5 दिन नहीं चल पाती और स्पिनरों को मदद करती है। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 से 6 अगस्त 2016 के बीच यही हुआ। 2.5 दिन में ही मैच खत्म हो गया। श्रीलंका की स्पिन
के आगे ऑस्ट्रेलिया धराशाही हो गया। ऊपर से पिच बहुत सख्त दिख रही थी, मगर पहले ही दिन गेंद टर्न करने लगी थी। उस वक्त भी ये आरोप लगे थे कि पिच से छेड़छाड़ हुई है, मगर आईसीसी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। ये क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच था, जिसमें 2.5 दिन में ही रिजल्ट आ गया। क्यूरेटर से अपनी सेटिंग के चलते रॉबिन मॉरिस ने इस पर दांव लगाया था कि मैच जल्दी ख़त्म होगा, वही हुआ। तगड़ा पैसा कमाकर वो वापस इंडिया आ गया और इस तरह फिक्सिंग करके पिच टेम्परिंग के जरिए खूब पैसा कमाया गया। इस कड़ी का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच था, रांची का ग्राउंड, 16 से 20 मार्च 2017। यहाँ भी 10 ओवर के सेशन के लिए मैच फिक्स किया गया। यहाँ भी सेशन के आखिरी ओवर के मंदा रहने की प्रेडिक्शन थी। यहाँ पूरे सेशन खूब रन पड़े थे, मगर आखिरी ओवर में एक भी रन नहीं पड़ा। बाद में अनिल मुनव्वर ने बताया कि इसमें 2 ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर फिक्सिंग में शामिल थे, जिनके नाम अल जजीरा ने पब्लिक नहीं किए हैं। चैनल ने यहाँ भी कहा है कि उन्होंने ये दोनों नाम आईसीसी को सौंप दिए हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में सबसे चौंकाने वाला सच इसके आखिरी पड़ाव में सामने आता है। डेविड अब तक इन सब फिक्सरों का विश्वास जीत चुके थे। यहाँ दुबई में बैठे हुए फिक्सर गौरव राजकुमार और मॉरिस कहते हैं कि दुबई क्रिकेट में पैसा बनाने का गढ़ है। यहाँ एक मामूली सी T20 लीग मैच में हजारों की भीड़ आ जाती है। यहाँ गौरव ने 4 टीमों वाली एक लीग का प्लान बताया, जिसे वो इमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से पहले ही डिस्कस कर चुका है। बस आईसीसी के हिसाब से कुछ अरेंजमेंट्स करने बाकी हैं। उसमें 4 टीमों के खिलाड़ी गौरव की लिस्ट के हिसाब से होंगे। यहाँ वो ये भी कहता है कि इन 4 टीमों में कुछ ही प्लेयर्स को पता होगा कि ये इवेंट सिर्फ और सिर्फ फिक्सिंग के लिए किया जा रहा है। बाकी प्लेयर्स को एक मामूली फीस मिलेगी, मगर हर टीम में कुछ प्लेयर्स को जो इस प्लान में शामिल होंगे उनको मामूली टीम से 40 गुना ज़्यादा फीस मिलेगी, ताकि वो अपना मुंह ना खोलें। इन फिक्सरों के पास दुबई में इस लीग को सफल बनाने के बाद इसे हांगकांग, जिम्बाब्वे और श्रीलंका में भी करने का प्लान था। अल जजीरा के इस खुलासे के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी हिल गया है। आईसीसी ने कहा है कि वो चैनल से रॉ फुटेज लेकर इसकी जाँच कराएगा। फिक्सरों ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेयर्स को फिक्स करने की बात कही है। इन देशों के क्रिकेट बोर्ड्स ये कह रहे हैं कि अगर अल जजीरा उन्हें सबूत सौंपता है तो वह एक्शन जरूर लेंगे। आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट से अब उम्मीद है कि वो इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाए हर मैच की जांच करे और करप्ट प्लेयर्स को सामने लाए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हमें लगने लगेगा कि हर मैच फिक्स होता है और हम क्रिकेट देखना बंद कर दें। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही और ज़रूरी बातें हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप देखते रहिए lallantop.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल लाइक कीजिए। धन्यवाद।